आज हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे उन कपल्स की जिनकी उम्र में बहुत ही ज्यादा फासला है। अपने इस फासले होने की वजह से ही उन्होंने बहुत सी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की, मगर कुछ कपल गोल्स भी वो देकर चले गए और ये भी समझा कर गए और समझाते आ भी रहे हैं कि प्यार में कभी उम्र नहीं देखी जाती, बस प्यार हो जाता है। वक्त बे वक्त इस तरह की बातें जरूर की जाती है कि उम्र में फासला है, कमजोरियां आ सकती है रिश्ते में, मगर ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम बॉलीवुड से उन कपल्स की बात करेंगे जिनकी उम्र में काफी फासला रहा, मगर वो सबसे स्ट्रॉन्ग कपल भी बन के सामने आए काफी बार। शुरुआत करते हैं दिलीप कुमार और सारा बानो की जोड़ी से। जब इन दोनों की शादी हुई थी तो दिलीप कुमार की एज थी 44, जी हाँ, और सारा बानो की एज थी 22। तो ऐसे में इन दोनों की उम्र में फासला बना 22 ईयर्स का, लेकिन इन दोनों ने कभी भी इस बारे में ख्याल नहीं रखा और एक दूसरे से प्यार किया बेइंतहा, और आज भी ये दोनों साथ हैं। सारा बानो 22 साल छोटी है दिलीप कुमार से और इसलिए आज थोड़ी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए दिलीप कुमार का साथ बहुत ज्यादा वो देती है, उनकी तबीयत का काफी ख्याल रखती है, जबकि दिलीप कुमार काफी बार एडमिट तक हो चुके हैं हॉस्पिटल में। इसी के साथ दूसरी जोड़ी की बात करते हैं जो आती है कबीर बेदी की। कबीर बेदी ने 4 शादियां की हैं और उनकी चौथी शादी हुई है प्रवीण दोसांझ के साथ। ये हुई है काफी वक्त पहले ही और इस शादी की बात जब सामने आई थी तो हर कोई हैरान हो गया था, क्योंकि कबीर बेदी की जो पहली बेटी है उनका नाम है पूजा बेदी, और पूजा बेदी से ही 4 साल छोटी है कबीर बेदी की चौथी पत्नी प्रवीण। और देखने को यहाँ ये भी मिला कि कबीर और प्रवीण में 30 साल का फर्क है। अब आती है तीसरी जोड़ी जिनका नाम है राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया। इन दोनों की उम्र में भी काफी ज्यादा अंतर है। डिंपल कपाड़िया से जब राजेश खन्ना ने शादी की थी तब डिंपल 17 साल की थी और राजेश खन्ना की उम्र थी 31 साल की। इनकी शादी को काफी वक्त बीत चुके हैं और राजेश खन्ना अब हमारे बीच नहीं रहे। अब आती है एक और जोड़ी जो है सैफ अली खान और करीना कपूर खान की। इनकी उम्र में फासला है 10 साल का। सैफ अली खान पहले से ही शादीशुदा थे, उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन करीना सैफ से काफी ज्यादा प्यार करती थी। जहां बचपन में उन्होंने सैफ को अंकल बोला था, आज वो उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी बिता रही है और इनका एक बच्चा भी है जो पपराजी की नजर में अक्सर ही आ जाता है और उनका नाम है तैमूर अली खान पटौदी। अब आती है एक और जोड़ी जो है साल 2015 में शादी कर 13 साल के फर्क के साथ जोड़ी बनाई थी शाहिद कपूर ने मीरा राजपूत के साथ। शाहिद की उम्र काफी ज्यादा थी और मीरा राजपूत 21 साल की थी। 13 साल का फर्क होने के बावजूद भी इन दोनों ने एक दूसरे से शादी की और ये शादी अरेंज मैरिज थी, और जब इनकी शादी हुई तब भी खूब बातें बनी थी, मगर आज ये दोनों खुश हैं और इनके भी अब 2 बच्चे हैं। वेल दोस्तों, अब आती है एक और जोड़ी जो है संजय दत्त और मान्यता दत्त की, जिनकी उम्र में 20 साल का फर्क है। संजय दत्त की 3री शादी है मान्यता के साथ। जब ये शादी हो रही थी तो उन्हें लेकर काफी ज्यादा बातें की गई थी। आज संजय और मान्यता अपनी जिंदगी में बेहद ही खुश हैं और इनके 2 बच्चे भी हैं। इसी के साथ अब आखिरी जोड़ी आती है। इनमें से कौन सी आपकी फेवरेट जोड़ी है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस रिपोर्ट को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ना बिल्कुल ना जाएं।